सिलिकॉन ऑयल का रेटिना की सर्जरी में बहुत बड़ा रोल है। सिलिकॉन ऑयल डालने के फ़ायदे क्या होते हैं, क्यों डाला जाता है सिलिकॉन ऑयल, और उसके कुछ डाउनसाइड्स भी है क्या, यही हम आज इस टॉपिक में समझेंगे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंखों से जुड़ी सारी जानकारी। पर्दे की सर्जरी एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही जटिल सर्जरी रहती है। पर्दे की सर्जरी में हम सीधा आंख के रेटिना यानी आंख के पर्दे से डील करते हैं, जो कि एक अल्टीमेट चीज़ है। मतलब इसके बियॉन्ड अगर पर्दे में कुछ डैमेज होता है तो उसको ठीक करना बहुत बार पॉसिबल नहीं होता। तो रेटिना सर्जरी एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, और इसको करने में एक बार में जो बेस्ट काम होता है वही सबसे अच्छा रहता है। बार बार सर्जरी करना पड़े, ऐसी सिचुएशन ना आए, वही अच्छा रहता है। तो सिलिकॉन ऑयल आँख में कब डालते हैं हम? सिलिकॉन ऑयल बेसिकली होता क्या है? ये एक स्पेशल तरह का ऑयल होता है, जिसे हम परफ्लोरोकार्बन लिक्विड की तरह ये रहता है, और ये पॉली डाई मिथाइल सिलोक्सेन करके इसका केमिकल नेम रहता है। और ये एक इनर्ट कंपाउंड रहता है, मतलब आँख के अंदर जाके रिएक्शन नहीं करता है। इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि ये आँख के अंदर एक कोहेसिव फॉर्म में, एक बबल के फॉर्म में रहता है, और ये लंबे समय तक पर्दे को अंदर से सपोर्ट कर सकता है। सिलिकॉन ऑयल की इस प्रॉपर्टी की वजह से सिलिकॉन ऑयल को हम रेटिना डिटैचमेंट सर्जरी में स्पेशली यूज़ करते हैं। जब इसको हम रेटिना डिटैचमेंट सर्जरी के बाद आँख के अंदर डालते हैं, तो ये एक जो विट्रस जेल है उस जगह को पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है और रेटिना को एक सपोर्ट देता है, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में टैम्पोनाड कहते हैं। टैम्पोनाड मतलब पर्दे पर एक ये प्रेशर बना के रखता है, जिससे कि जहाँ से पर्दा डिटैच था वहाँ से पर्दा वापस अपनी जगह पर अटैच रहे। एक बार पर्दा अपनी जगह पर अटैच रहता है तो फिर उसके पीछे वाली लेयर्स एक सक्शन फोर्स क्रिएट करती हैं, जिससे कि पर्दा अपने आप अपनी जगह पर टिका रहता है। तो सिलिकॉन ऑयल लंबे समय तक पर्दे को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करा जाता है। जैसे कि अगर लंबे टाइम तक पर्दा हटा हुआ है, क्रॉनिक अगर रेटिनल डिटैचमेंट है, उसमें अंदर पर्दे के ऊपर अगर झिल्लियाँ बनी हुई हैं, जिसे हम PVR कहते हैं, या फिर पर्दे के अंदर ब्लीडिंग हुई है और वापस ब्लीडिंग होने का रिस्क है, ऐसी कंडीशन में भी ऑयल डाला जाता है। कभी कभी सीवियर इन्फेक्शन अगर आँख में होता है तो उसका भी ऑपरेशन करके हम उसमें सिलिकॉन ऑयल डालते हैं। सिलिकॉन ऑयल के ये तो एडवांटेजेस हो गए। सिलिकॉन ऑयल के डिसएडवांटेज क्या होते हैं? डिसएडवांटेज मेनली तो एक रहता है कि इसे हम परमानेंट आँख के अंदर नहीं छोड़ सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि विद टाइम ये धीरे धीरे छोटे छोटे बबल्स में डिवाइड होने लगता है। इसे हम कहते हैं सिलिकॉन ऑयल इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन की वजह से एक बड़ा बबल छोटे छोटे बबल्स में डिवाइड हो जाता है, और ऐसा होने से ये अपना नॉर्मल सपोर्टिव रोल नहीं दे पाता है। ये छोटे छोटे बबल्स आँख के कॉर्नर्स में अलग अलग जगह जाके ट्रैप हो सकते हैं, जिसकी वजह से आँख के अंदर का प्रेशर भी बढ़ सकता है। इसे सिलिकॉन ऑयल इंड्यूस्ड ग्लॉकोमा कहते हैं। तो अगर ऑयल सफ़ेद हो रहा है यानी इमल्सिफाई हो रहा है, या फिर ग्लॉकोमा हो रहा है, तो ये दो कंडीशंस हैं जिसमें कि हमें ऑयल निकालना ही निकालना पड़ता है। ये दोनों कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए ऑयल को हम परमानेंट आँख में नहीं छोड़ते हैं। यूजुअली 3 से 4 महीने, कभी कभी 6 मंथ्स तक, और कुछ स्पेशल केसेस में साल साल भर तक भी ऑयल को आँख के अंदर रख सकते हैं, और इस कंडीशन में ऑयल को फिर बाद में निकाला जाता है। ऑयल निकालने का प्रोसेस बहुत छोटा ऑपरेशन एक रहता है इसका, जिसमें कि हम ऑयल को सक आउट कर लेते हैं आँख के अंदर से, और फिर वो वहाँ से परमानेंटली हट जाता है। तो सिलिकॉन ऑयल एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, और इसे यदि हमें थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि रिस्क है पर्दे में वापस से डिटैचमेंट होने का, या फिर वापस ब्लीडिंग होने का, या फिर शुरू में पर्दे में डैमेज ज़्यादा हुआ है, ऐसी कंडीशंस में सिलिकॉन ऑयल ही हम प्रेफर करते हैं आँख के अंदर डालना। क्योंकि रेटिना सर्जरी में फर्स्ट टाइम में जो हम बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं वही हमें करना चाहिए। बार बार सर्जरी का स्कोप इसमें हम नहीं छोड़ना चाहते हैं कि हमने कुछ ट्राई करके देख लिया, उससे नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं।
ऐसा जनरली हम करना अवॉइड करते हैं। पहली बार में ही जो बेस्ट अपने पास ऑप्शन है, जो सेफ ऑप्शन है, उसे ही हम कर सकते हैं और उसे ही हमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलता है। एक और डिसएडवांटेज सिलिकॉन ऑयल का रहता है कि उससे टेम्प्रेरी आँख में धुंधलापन आता है। वो इसलिए क्योंकि सिलिकॉन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है और इसकी वजह से आँख के अंदर एक चश्मे का पावर आ जाता है। यूजुअली वो हाई प्लस पावर होता है, तो ये हाई प्लस पावर की वजह से चश्मे का नंबर हम वो दे नहीं पाते हैं क्योंकि यूजुअली वो दूसरी आँख से मैच करता नहीं है। तो जब तक ऑयल रहता है आँख में तब तक धुंधलापन रहता है, दिखता ज़रूर है बट वो धुंधला दिखता है। तो ये एक और माइनर सा डिसएडवांटेज है सिलिकॉन ऑयल का। और एक अलग तरह का एडवांटेज सिलिकॉन ऑयल का रहता है कि सिलिकॉन ऑयल अगर हम डाल रहे हैं तो आप हवाई यात्रा कर सकते हैं, एयर ट्रैवल कर सकते हैं। अगर गैस डाली जा रही है आँख में तो हम एयर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पे वो गैस एक्सपांड हो जाती है और वो आँख के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। तो सिलिकॉन ऑयल के बारे में आज हमने देखा, इसके एडवांटेजेस देखे, इसके डिसएडवांटेजेस देखे, और अल्टीमेटली आपके सर्जन ही बेस्ट जज होते हैं कि उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सा सिलिकॉन ऑयल या गैस आपके आँख के अंदर ज़्यादा सूट करेगा, आपकी नज़र को बचा के रखेगा, पर्दे को बचा के रखेगा। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। धन्यवाद।